Thank you.
नाम
Bye.
कैद में जब होगा सजदा सैयद सजादा, है तरफ होगा उजाला सैयद सजादा। हुसैन रसूल से हैं ये समझना आसान है, रसूल हुसैन से कैसे हैं ये समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हर इंसान अपनी जिंदगी को देखे और अपने माशरे और समाजी रसूम पे नजर करे तो उसे फौरन समझ में आ जाएगा कि हुजूर ने ये किस लिए कहा कि सिर्फ हुसैन ही मुझसे नहीं है बल्कि मैं भी हुसैन से हूं। मसलन मजलिस हो रही है, एक बच्चा इस मस्जिद में दाखिल होता है, आप बराबर वाले से पूछते हैं कि इस बच्चे को हमने कभी देखा नहीं है, ये बच्चा कौन है? अगर बराबर वाला पहचानता होगा उस बच्चे को तो वो आपके सामने कैसे तारुफ पेश करेगा, कैसे पहचान पाएगा? ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा इसका नाम फला फला है, नहीं, बल्कि उसका तारुफ किसी ऐसी शख्सियत के जरिए से होगा जिसको आप पहचानते होंगे। तवज्जो दीजिएगा, उसका तारुफ किसी ऐसी शख्सियत के जरिए से होगा जिसको आप पहचानते होंगे। मसलन वो आपके सामने तारुफ पेश करेगा कि ये फला का बेटा है, फला का पोता है, फला का नवासा है, यही तो तारुफ का जरिया है। 20 साल हो गए फिर उस बच्चे का कहीं आता पता नहीं, जवान हो के बच्चा फिर वो किसी दिन मजलिस में आया, आपने फिर पूछा कि भाई जवान को हमने कभी देखा नहीं है, कौन है ये? फिर तारुफ का जरिया वही होगा जो 20 साल पहले था कि फला का बेटा है, फला का पोता है, फला का नवासा है। अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया कि सर पे सहरा सजाकर दूल्हा बनकर किसी के दरवाजे पे बारात लेकर पहुंचे, तवज्जो अजीजों, किसी के दरवाजे पे बारात लेकर पहुंचे, अब तारुफ के तमाम असबाब बदल जाएंगे, तारुफ के जरिए बदल जाएंगे, तारुफ के रास्ते बदल जाएंगे। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये फला का पोता है, फला का बेटा है, फला का नवासा है, अब इसका तारुफ इसके बुजुर्गों के जरिए नहीं होगा, सारे बुजुर्गों का तारुफ इसके जरिए होगा कि ये दूल्हा का बाप है, ये दूल्हा का दादा है, ये दूल्हा का नाना है। मैंने अपनी सारी बात कर दी, आप शायद मुतवज्जे नहीं हुए, हुसैन जब तक मदीने की गलियों में थे, हुसैन रसूल के नवासे थे, अली के बेटे थे, फातिमा के नक्शे जिगर थे, अबू तालिब के पोते थे, लेकिन जैसे ही हिफाजत इस्लाम की बारात लेकर सर पे सहरा सजाकर करबला की जमीन तक हुसैन आए हैं तो तारुफ का जरिया बदल गया। अब हुसैन रसूल के नवासे नहीं है, रसूल हुसैन के नाना है, अबू तालिब हुसैन के दादा है। अब तारुफ के तरीके बदल गए, तारुफ के जराए बदल गए, तारुफ के असबाब बदल गए, यानी करबला तक हुसैन रसूल से हैं, करबला के बाद रसूल हुसैन से हैं, और इस
को मैं थोड़ा सा फैला के आपके सामने वाजे कर दूं, एक चीज होती है वजूद, एक चीज होती है बका। हो सकता है किसी के जरिए मेरा वजूद हो, लेकिन यह भी हो सकता है जिसने मुझे वजूद दिया है उसकी बका मेरे जरिए हो। यही इस हदीस में रसूल फरमा रहे हैं कि हुसैन का वजूद मुझसे है, मेरी बका हुसैन से है। अब अगर हर जहन तक यह बात पहुंच जाए तो मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिएगा, यानी रसूल ने यही कहना चाहा कि तीन शाबान सन 3 हिजरी से 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है, 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। سلامت رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو نہ کہیں رسالت ہوتی، نہ کہیں شریعت ہوتی، نہ کہیں دین ہوتا، نہ کہیں اذانیں ہوتی، نہ کہیں مسجدیں ہوتی، نہ کہیں منارے ہوتے، نہ کہیں گنبد ہوتے، نہ حج ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ انبیاء کی باتیں ہوتی، نہ رسولوں کے تذکرے ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر کربلا کے میدان میں حسین نہ آئے ہوتے۔ اب کربلا کے بعد الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سارا دین حسین نے بچا لیا، اب حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے۔ اگر کسی کو دین سمجھنا ہو تو حسین کو سمجھے، اور کسی کو حسین کو سمجھنا ہو تو دین کو سمجھ لے۔ واقعہ یہاں کا نہیں ہے، پاکستان کا ایک مولانا صاحب سبزی منڈی میں سبزی خرید رہے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ قبلہ سبزی خرید کے رہیے گا، دین بھی سمجھ لیجئے۔ انہوں نے کہا سمجھائیے، کہ دین ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو کم سے کم 30 دن کا چلا چل کے مسجد میں باندھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا 30 دن کا وقت میرے پاس نہیں ہے، مجھے ایک لمحے میں سمجھائیے دین کیا ہے، مجھے ایک لمحے میں سمجھائیے دین کیا ہے۔ انہوں نے کہا 30 دن کا وقت نہیں ہے تو 15 دن کا وقت نکالیے، دین فہمی کے لیے کم سے کم اتنا تو وقت ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ انہوں نے کہا میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے، مجھے ایک لمحے میں سمجھائیے کہ دین کیا ہے۔ خیر بات بڑھتی رہی، وہ مولانا صاحب کو پکڑ کے اپنی مسجد لے گئے، حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، کہ یہ صاحب دین سمجھنا تو چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس 30 دن کا وقت ہے نہ 15 دن کا وقت ہے۔ مولانا نے مولانا سے کہا کہ ایسا کیجئے 7 دن کا وقت نکال لیجئے، 7 دن میں سمجھا لیں گے ہم آپ کو دین کیا ہے۔ کہ قبلہ میرے پاس 7 دن کا بھی وقت نہیں ہے، مجھے ایک لمحے میں سمجھائیے دین کیا ہے۔ مولانا کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کون دنیا کا ایسا کم وقت انسان ہے جو ایک لمحے میں سمجھا دے دین کیا ہے۔ انہوں نے سبزی کا تھیلا زمین پہ رکھ کے کہا قبلہ میں ہوں وہ شخص جو ایک لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کیا ہے۔ توجہ عزیزو، کہ کیسے سمجھائیے گا دین، واقعہ پاکستان کا ہے۔ انہوں نے کہا قبلہ پاکستان کی سرحدوں میں رہ کر ایک لمحے میں سمجھ میں نہیں آئے گا دین کیا ہے، پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکلیے، برابر میں ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، اجمیر میں ایک درگاہ ہے جس کے دروازے پہ لکھا ہے حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین کو پناہ دینے والا ہے، حسین ہی دین کو بچانے والا ہے، حسین ہی دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آئیے عزیزو، کیا کہا خواجہ اجمیری نے، تھوڑی سی گفتگو یہیں پہ رک جائے اور ٹھہر جائے اور بات یہیں مکمل ہو۔ کیا کہا خواجہ اجمیری نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ شاہ کا ترجمہ بھی ہم عموماً بادشاہ ہی کرتے ہیں، اور بادشاہ کا ترجمہ تو کرتے ہی بادشاہ ہیں۔ قبلہ تشریف فرمائیں، اور جو بھی حضرات فن شاعری سے واقف ہوں
अनुभव साहब भी यही तशरीफ फरमा, ये बात की तारीफ फरमाते रहेंगे। शायरी के फन से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखने वाला इंसान इस बात को जानता है कि एक ही मिसरे में एक ही माना के दो लफ्जों का इस्तेमाल शायरी का नक्श होता है। अगर शाह के माना भी बादशाह है और बादशाह के माना भी बादशाह है तो एक ही माना के दो लफ्जों को ख्वाजा अजमेरी ने एक ही मिसरे में इस्तेमाल किया, जो शायरी का नक्श है। लेकिन हमें अपने इल्म के नाकिस होने पर एतराफ है, ख्वाजा अजमेरी की अकीदत को हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। इसका मतलब हमें तलाश करना पड़ेगा कि शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं। जब दोनों का फर्क हमने तलाश किया तो हमें मिला कि बादशाह ऐसे हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत सरहदों में कैद होती है, और शाह उस हाकिम को कहते हैं जिसकी हुकूमत सरहदों में कैद नहीं होती। यानी शाह वो हाकिम है जिसकी हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, चांद पर भी है, तारों पर भी है, मलक पर भी है, फलक पर भी है। अब इसको ऐसे समझिए, जो हिंदुस्तान का बादशाह है वो इंग्लैंड का तो बादशाह नहीं है, इंग्लैंड पे उसकी हुकूमत नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान का सजा याफ्ता मुजरिम इंग्लैंड में जाकर बैठ जाए और कहे कि हमने इसको माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए, ऐसा हो सकता है? जिसको सजा हिंदुस्तान में मिली है वहीं के बादशाह को यह हक हासिल है कि उसकी सजा को माफ करे। अल्लाह जाने आप तक बात पहुंचे तो आप कैसे मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकेंगे। भाई जो बादशाह है अपनी हुकूमत के दायरे में, अपनी सरहदों के दायरे में अपने मुल्क के सजा याफ्ता मुजरिम को माफ कर सकता है, क्योंकि वो बादशाह है, उसकी हुकूमत सरहदों में कैद है। लेकिन शाह की हुकूमत सरहदों में कैद नहीं होती, वो जमीन पर भी हाकिम, आसमान पर भी हाकिम। इसीलिए आपने देखा नहीं कि उसको सजा आसमान में नहीं, हुसैन ने जमीन पर दिया। एक सलवात को है मिलजुल के बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब यह बात तय हो गई कि बादशाह है छोटा मनसब, तवज्जो, शाह है बड़ा मनसब। महफिलें वगैरह आपके यहां भी होती होंगी, जब महफिलों में आप शायरों को बुलाते हैं या नाज़िम शायरों को बुलाता है तो किस तरह बुलाता है? पहले सबसे बड़े शायर को, फिर उससे छोटे शायर को, फिर सबसे छोटे शायर को आखिर में। जैसे उल्टा होता है, पहले छोटा शायर, फिर उससे बड़ा शायर, फिर उससे बड़ा शायर, तरतीब यही तो होती है ना। इसी तरीके से जब हम शायरी में किसी को खिताबात से नवाजते हैं तो पहले छोटे मनसब के जरिए से तारुफ कराते हैं, तवज्जो, फिर उससे बड़ा मनसब आता है, फिर उससे बड़ा मनसब आता है। ये है शायरी का नज्म व नस्ब, तवज्जो। लेकिन ख्वाजा अजमेरी ने क्या किया? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। फन शायरी ये था कि ख्वाजा अजमेरी पहले बादशाह कहते फिर शाह कहते, तवज्जो। लेकिन ख्वाजा अजमेरी ने पहले कहा शाह फिर कहा बादशाह। ख्वाजा अजमेरी पहले छोटा मनसब बयान करना था फिर बड़ा मनसब बयान करते, आपने पहले ही बड़ा मनसब बयान कर दिया। शायद ख्वाजा अजमेरी जवाब दे, अगर मैं पहले छोटा मनसब हुसैन के लिए बयान करता तो छोटी फिक्र के लोग जब सोचते कि हुसैन पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, मैंने पहले ही बड़ा मनसब रख दिया।
محمد. ایک عظیم فرق پیش کروں, بادشاہ کو حکومت کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, مکان کی ضرورت ہوتی ہے, تخت کی ضرورت ہوتی ہے, مسند کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن شاہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے. بوریے پر بیٹھے وہی حاکم, مسند پر بیٹھے وہی حاکم. کسی دن ٹہلتا ٹہلتا رسول کی پشت پر بیٹھ جائے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے. تو حسین کہاں تشریف لائے؟ رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کہاں بیٹھے مولا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوئے, کہاں بیٹھے؟ رسول کی پشت پر. دوسرا سوال توجہ دیجو, کیسے بیٹھے؟ بھائی پشت پہ تو بیٹھے یہ بات طے ہے, لیکن بیٹھے کیسے, کس طرح بیٹھے؟ جب مدینے سے قافلہ نکلا ہے تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کے تعارف میں. اس خطبے میں جملہ ہے, زہرہو منبرہو, دنیا حسین کا مقابلہ کیسے کرے گی رسول کی پشت جس حسین کا منبر تھا. اب میرا آپ سے سوال ہے, جواب آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی منبر پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ قبلا کدھر ہے؟ ادھر میں بیٹھا ہوں منبر پہ, تو کدھر چہرہ کر کے بیٹھا ہوں؟ مجمع کی طرف. حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ رسول کی پشت حسین کا منبر ہے. اس کا مطلب حسین پشت رسول پر ایسے بیٹھے جیسے منبر پہ بیٹھا جاتا ہے. قبلا کدھر بھی ہو لیکن حسین کا چہرہ ادھر تھا جدھر لوگ سجدے میں تھے. توجہ دیجئے گا چیزوں, حسین کا چہرہ ادھر تھا جدھر لوگ سجدے میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی پشت حسین ایسے بیٹھے جیسے منبر پر بیٹھا جاتا ہے. اب اگر اس سوال کا جواب حل ہو گیا کہ کیسے بیٹھے, تو تیسرا سوال اور بڑا دلچسپ سوال, کب تک بیٹھے؟ بھائی الگ الگ روایات ہیں, الگ الگ تواریخ ہیں جو بیان کرتی ہیں 72 مرتبہ حضور نے کہا, 130 مرتبہ حضور نے کہا, 133 مرتبہ حضور نے کہا. میں کہتا ہوں سب کو چھوڑیے, آپ حالات اور کیفیات سے محسوس کیجئے کہ حسین کب تک بیٹھے. بھائی حسین ایسے بیٹھے ہیں جب جیسے منبر پہ بیٹھا جاتا ہے, اس کا مطلب حسین کی نگاہیں ادھر ہیں جدھر اصحاب سجدے میں ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں اصحاب کو جو سجدے میں ہیں, اور جو سجدے میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی طول ہوا سجدے کو, سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا واپس سجدے میں, سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا واپس سجدے میں, سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا واپس سجدے میں. اب یہ بتائیے مجھے, جب وہ لوگ حسین کو دیکھ رہے ہیں تو حسین بھی تو انہیں دیکھ رہے ہیں. توجہ عزیز و جوز کرنا چاہ رہا ہوں, بات پہنچے تو بتائیے گا. بھائی حسین بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب سمجھیے کہ حسین کب تک بیٹھے. حسین دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس نے بھی دیکھ لیا, 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 اس نے بھی دیکھ لیا. یعنی جب تک سب نے نہ دیکھ لیا حسین نہیں ملے. توجہ, جب تک سب نے نہ دیکھ لیا حسین نہیں اترے. حسین دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ آخری پل تک توجہ, بات جہاں تک پہنچے بتائیے گا. حسین دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے یہی تو فرمایا, رسول کی پشت حسین کا منبر ہے. حسین سارے مجمع کو یہی تو دکھانا چاہتے ہیں, دیکھو میرا منبر, دیکھو میرا منبر, دیکھو میرا منبر. حسین قیامت تک آنے والی بدعتی نسلوں کو چیلنج کر رہے ہیں. او میرے باپ کا منبر چھیننے والوں, ہمت ہو تو میرا منبر چھین کے دکھا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے, بول محمد و آل محمد. اور ایک اہم فلسفہ, شاعت حسین, بادشاہت
हुसैन, किसका नाम आया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। दूसरा मिसरा, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, हुसैन दीन भी है, दीन का मुहाफिज भी है। किसका नाम आया? इमाम हुसैन का। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हुसैन ने सर दे दिया, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अब किसका नाम आया? यजीद लानतुल्लाह अलैह का नाम आया, इमाम हुसैन का नाम तो नहीं आया ना। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बेशक बिततहकीक कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया। अब आप मुलाहजा कीजिए, रुबाई के हैं चार मिसरे। पहले मिसरे में इमाम हुसैन का नाम, दूसरे मिसरे में इमाम हुसैन का नाम, चौथे मिसरे में इमाम हुसैन का नाम, तीसरे मिसरे में यजीद का नाम। तवज्जो, थोड़ा सा बात बदलूं। जिस मिसरे में ख्वाजा अजमेरी ने हुसैन का नाम रखा, उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं रखा, और जिस मिसरे में यजीद का नाम रखा उस मिसरे में हुसैन का नाम नहीं रखा। आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान मेरी खिताबत को दाद रही, ख्वाजा अजमेरी की अकीदत को सलाम होगा। भाई ख्वाजा अजमेरी ने जिस मिसरे में यजीद का नाम रखा उस मिसरे में हुसैन का नाम नहीं, जिस मिसरे में हुसैन का नाम रखा उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं। यानी ख्वाजा अजमेरी ने बताया कि यजीद और हुसैन कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तहारत और निजाफत कभी एक जगह नहीं मिल सकती। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। निजासत और तहारत कभी एक जगह जमा नहीं हो सकती। मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, सब आजादार अपने दिलों को आजाखाना बना लेते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत से अपराध, बहुत से लोग इस बात के लिए कोशा रहते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। यह अलग बात कि उनकी जद्दोजहद मुसलसल नाकाम होती है कि किसी तरीके से आजादारों को आजादारी से रोका जाए। इसका ताल्लुक इस वक्त के माहौल से बहरहाल नहीं है जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। ये माहौल तो अलग ही है, वबाओं का माहौल है, बलाओं का माहौल है। अल्लाह सब अजादारों को अपने दामन हिफ्ज़ो अमान में जगह इनायत फरमाए। और मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खुसूसन वो लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इमाम बारगाह में आने से रोका गया या शर्तें लगाई गई, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्तरिब होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हुकूमते ज़ाहिरिये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की वुसअत का सबसे अच्छा मौका है। हुकूमत को वुसअत देने का, हुकूमत ज़ाहिरी को, हुकूमत ज़ाहिरी जो इमाम बारगाहों की शक्ल में नजर आती है, जो फर्श अज़ा की शक्ल में नजर आती है, जो सियाह परचमों की शक्ल में नजर आती है, उसको फैलाने का बहुत अच्छा मौका है। इमाम बारगाहों में आने से रोका गया है, घर को इमाम बारगाह बनाने से नहीं रोका गया है। जहां है, जिस जगह है, उसी जगह को इमाम बारगाह बना लीजिए, उसी जगह को फर्श अज़ा बिछा लीजिए। महशर में जब कोई आपका साथ नहीं देगा, उस मौके पर वो जगह आपकी गवाही देगी और साथ देगी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके साथ होंगे। और याद रखिए, जिसके साथ हुसैन हो जाते हैं
फिर उसको किसी और के साथ की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जिस जगह है जहां मौका मिले उसी जगह को ईमानदार का बना लीजिए, उसी जगह को हुसैनिया बना लीजिए, वहीं पर शहजादा बिछा लीजिए। ये सोच के बिछा लीजिए कि हम शहजादे को बुलाने के लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, न जाने शहजादे किस घर में जलवा फरोज हो जाए, किसके आंसुओं के बुलावे पे चली आए, ये किसी को नहीं मालूम। जहां भी है जिस जगह भी है वही इमाम बारगाह बनाइए, फरशेजा बिछाइए, घर में किसी भी एक जगह को मंसूब कर लीजिए कि ये रोने की जगह है, जहां पे मैं 12 दिन या 2 महीने आपके बैठ के रोऊंगा। मुहर्रम का चांद नमुदार होता है, मजलिस में आने से, फरशेजा बिछाने से, आंसुओं के बहने से रोकने की कोशिश की जाती है। ये दीन और शरई अमल अब से नहीं जनाब इब्राहिम के जमाने से चल रहा है। दुनिया आज हमसे पूछती है मौला अब्बास का आलम चूमना है तो जाइए रोजे पर, वहां से पंजा लेकर आइए, वहां से पट्टा लेकर आइए, वहां की लकड़ी लेकर आइए, ये क्या मसाला है? यही पंजा बना लेते हो, यही पटका बना लेते हो, यही अलम बना लेते हो, यही चूम लेते हो, यही खप्पस तैयार करते हैं, यही कागज लगाते हैं, यही ताजिया बनाते हैं, यही चूम लेते हो, ये कौन सा मसाला है? यही सवाल इब्राहिम से कीजिए, भाई काबा बना रहे थे, अल्लाह का घर बना रहे थे, जन्नत से मिट्टी आती, कौसर का पानी आता, बोरे अपने हाथों में गूंदती मिट्टी फिराक तैयार करते काबा, फिर उसे चूमते, उसे मौका देते, उसे मुहतरम मानते, उसे मौसम मानते, ये क्या इब्राहिम? यही से मिट्टी ले रहे हैं, यही का पानी ले रहे हैं, यही घर बना रहे हैं और यही चूम रहे हैं। शायद इब्राहिम जवाब दे, ये मत देखो मिट्टी यहां की है, ये मत देखो पानी यहां का है, देखना हो तो ये देखो घर अल्लाह का है। हम भी दुनिया को यही बता रहे हैं, ये मत देखिए पंजा यहां का है, ये मत देखिए पट्टा यहां का है, ये मत देखिए लकड़ी यहां की है, देखना हो तो ये देखिए ताजिया हुसैन का है, अलम अब्बास का है। क्योंकि अजमतें निस्बतों से होती है, ये देखिए कि ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, अलम हजरत अब्बास का है। दूसरा सवाल, कब तक मनाते रहेंगे? तवज्जो, कब तक आजादारी करते रहेंगे? कभी तो रुकिएगा। जो लोग अदालत जाते हैं, कोर्ट वगैरह जाते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अदालत में जब कोई मामला पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पे किसी का कत्ल हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, मक्तूल यानी जिसका कत्ल हुआ है, उसके वारिसीन अदालत का चक्कर उस वक्त तक लगाते रहेंगे जब तक मक्तूल को इंसाफ न मिल जाए, मजलूम को इंसाफ न मिल जाए, उस वक्त तक अदालत का चक्कर मक्तूल के वारिस लगाते रहते हैं। अगर आपका जहन, आपका दिल, आपका ख्याल, आपकी फिक्र मेरी फिक्र से मिलता है तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, भाई मक्तूल या मजलूम के वारिस उस वक्त तक अदालत का चक्कर लगाते रहते हैं जब तक मजलूम या मक्तूल को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारा भी वादा है पूरी आलम इंसानियत से कि अदालत इंसानी में उस वक्त तक अब्बास का आलम लेकर चक्कर लगाते रहेंगे जब तक हुसैन को इंसाफ न मिल जाए, और हुसैन को इंसाफ उस दिन तक नहीं मिल सकता जब तक सारी दुनिया मिलकर न कह दे हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाह आप सबको जजाए खैर इनायत फरमाए। जिस हौसले जिस जज्बे से आप तमाम अफराद शरीके अजाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुए हैं, किसी भी तरीके से दामे दिरहमे सुखने कोशिश करके तैयारियां करके लोगों के अजान हमवार करके जिस तरीके से जो शरीक हुआ है इस अजाए सैयदुश्शहदा में इंदल्लाह माजूर है। दुआएं छोटी पड़ जाती हैं, अज्र उनके बहुत अजीम है। जो लोग भी शरीक अजा हुए हैं, जो मुंतजमीन हैं, जो भी कमेटियां इसमें सरगर्दा हैं, कोशा हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिन अफराद ने जद्दोजहद की है इस पुराशोभ पुरखतर वक्त और जमाने में, जो अफराद भी शरीक अजा हुए हैं, परवरदिगार सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आप में से हर शख्स जो भी यहां पर शरीक है, अपनी आंखों के आंसुओं का नजराना शुक्रिया के तौर पर शहजादी की बारगाह में पेश करें कि शहजादी जिस जमाने में लोग तड़प रहे हैं आजादारी करने के लिए, उस जमाने में आपने हमें मौका दिया है कि हम फर्श-ए-आज़ा पे बैठ के आजादारी कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको अज़ीम इनायत फरमाए। हमारे लिए भी दुआ फरमाते रहिएगा, क़िबला तशरीफ फरमा है इनके लिए दुआ फरमाते रहिएगा, अनवर साहब इनके लिए दुआ फरमाते रहिएगा, वो तमाम ज़ाकिरीन दुनिया भर में जहां कहीं भी जो भी जिक्र अहले बैत करेंगे उन सब के लिए दुआ फरमाइएगा, वो अज़ादार जो भी शरीक मजलिस होंगे उन सब के लिए दुआ फरमाइएगा। कल से इंशाल्लाह बाकायदा हमारे मजमून का और मौजू का आगाज होगा जो हमने चुना है, तारीख हिदायत और खानवादे रिसालत। इस उन्वान और इस मौजू से इंशाल्लाह हम कल से गुफ्तगू करेंगे, तारीख हिदायत और खानवादे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाल्लाह कल से बाकायदा गुफ्तगू होगी। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, शहजादी ने आपको चुना है रोने के लिए, अज़ा के लिए, और मैं फिर बार बार अर्ज कर रहा हूं कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं उनको भी मुस्तरिब होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अकेले भी अगर बैठे हैं खुद जिक्र कीजिए, खुद ही रोइए, इसलिए कि तादाद पे सवाब नहीं मिलता, तादाद के बलबूते पे शहजादी कहीं तशरीफ नहीं लाती, खुलूस की वजह से शहजादी कहीं भी आ सकती है। मुखलिसाना तौर से खुलूस के साथ, कैसा कैसा जमाना देखा है अजादारों ने, बहुत आसानियां हैं, गाइडलाइंस पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रही है आप जानते हैं, वो गाइडलाइंस भी इसीलिए है कि आप यहां ना आइए, यहां पे अजादारी कीजिए। वो जमाना भी अजादारी की तारीख ने देखा है कि जब इजाजत ही नहीं हुआ करती थी रोने की, जिन आंखों से आंसू बहते थे उन आंखों में आग डाल दी जाती थी, जिस जबान से जिक्र होता था उस जबान को काट दिया जाता था, ये भी जमाना तारीख ने देखा है। रोइए इसलिए नहीं कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूं इसलिए रोइए, बल्कि शुक्रिया के तौर पर रोइए कि इस साल शहजादी ने आपको चुन लिया है। शहजादी, हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है। परवरदिगार इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय हमें करबला और गमे हुसैन की। आप तमाम हजरात को कैसा कैसा जमाना तारीख ने देखा, माओं के सामने बच्चों के गले काट दिए जाते थे, अजादारों को दीवारों में चुनवा दिया जाता था, मसायब की मुकम्मल तारीखें हैं जो मौला के अजादारों पर मसायब गुजरे और मुसीबतें गुजरी हैं, मुकम्मल तारीखें हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे वक्त में अजादारों ने अजादारी बर्पा की है।
इन सब मुश्किलात के बावजूद भी आपके पास रोने का मौका तो है, जिक्र करने का मौका तो है, जिक्र सुनने का मौका तो है। तरीका ही तो बदला है, महज ही तो बदली है, सलीका ही तो बदला है, लेकिन आपको रोका तो नहीं गया रोने से। वो भी जमाना तारीख में दिखा है। मुतवक्किल ने ऐलान करा दिया कि अगर किसी को इमाम हुसैन के रोजे की ज्यारत करने के लिए आना हो तो अकेला ना आए, दो अफराद आए, एक को कत्ल होना पड़ेगा, एक को हुसैन के रोजे की ज्यारत के लिए इजाजत मिलेगी। वो जमाना भी तारीख ने देखा। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये भी तारीख ने देखा है कि करबला जाने से कत्ल भी जायरीन को रोक नहीं पाया। उन अजादारों पे हमारा सलाम, करोड़ों सलाम, उनके अरवाह मुकद्दस को परवरदिगार दरजात इनायत फरमाए, बुलंद दरजात इनायत फरमाए, उन्हीं के वसीले से हमें ये हौसला और जज्बा इनायत फरमाए कि इस साल अजाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हौसले और जज्बे के साथ शिरकत करें, चाहे जहां भी करें, जिस तरीके से भी करें, मुकम्मल हौसले और जज्बे के साथ शिरकत करें। बताते हैं सिपाही कि जिनको मुअय्यन किया गया था रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्ब में, कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि किसी को रोजे तक पहुंचने न दिया जाए बगैर कत्ल हुए। वो बताते हैं कि एक रात हम बैठे हुए थे, हमने देखा कि एक निकाब पोश बीबी रोजे की तरफ चली जा रही है। हमने उस बीबी को रोका, रोक के पूछा कहां जा रही हो। उसने आंखों के इशारे से कहा कि हम रोजा इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए जाना चाहते हैं। क्या तुम्हें कानून नहीं पता है, कायदा नहीं पता है कि अकेले नहीं जा सकती, किसी एक का साथ लाना जरूरी है। जो कत्ल होगा उसके बदले में तुम्हें इजाजत मिलेगी कि ज्यारत के लिए जाओ। वो सिपाही कहते हैं कि हमने देखा तो निकाब पोश बीबी अपनी आगोश की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं तन्हा नहीं आई हूं, मैं अपने साथ अपनी आगोश का पाला लेकर आई हूं। हो सकता है कि हमें महसूस ना हो, आपको महसूस ना हो, लेकिन किसी मां के दिल से पूछिए तो अपने आगोश के पाले को सिर्फ इसलिए लेकर आई है ताकि उसे कुर्बान का हमें लिटा दे, दिवस करा दे और खुद ज्यारत से कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए चली जाए। कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा जिगर हो उन माओं का जिन्होंने बच्चों को कुर्बान करके अजादारी से शोहदा मुनाफिक की है और ज्यारत के लिए तशरीफ ले गई है। वो सिपाही कहते हैं कि हमने सोचा कि अगर हम जुल्म की शिद्दत में इजाफा करेंगे तो शायद डर के ये मां पीछे चली जाए और उसका आगोश का पाला बच जाए। हमने कहा कि हम कत्ल तो करेंगे लेकिन ऐसे कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारी गोद में लिटा के तुम्हारे आगोश के पाले के गर्दन पर छुरी चलाएंगे। वो सिपाही कहते हैं कि हमने देखा तो उस मां ने तुरबत इमाम हुसैन की तरफ देखा और देख के कहा सिपाहियों मेरी आगोश हुसैन की आगोश से बच्चे तो नहीं है, जहां छोटे के बच्चे के गले में तीर लगा। अल्लाह नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई कम ना सिवाय हमें करबला। रोई अजादारों, दुआ फरमाते रहिए उन तमाम अजादारों के लिए कि जो घर में बैठे हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पाया है फर्श अज़ा तक आने का, जहां कहीं भी अज़ा आ रहे परवरदिगार सबके आंसुओं को शहजादी के रूमाल में जगह इनायत फरमा और मकबूल फरमा। वो सिपाही कहते हैं कि हमने उसके आगोश के पाले को उस मां की गोद में जिबा करना शुरू किया और वो कहते हैं सिपाही कि हम देख रहे हैं कि वो मां अपने बच्चे को नहीं देख रही है, कुर्बत हुसैन की तरफ देख जा रही है। मरतबा जब बच्चा जिबा हो रहा था वो सिपाही कहते हैं कि हमने उस मां को देखा कि तुरबत से नजर हटाकर बच्चे को देखा और देख के कहती है मेरे लाडले मुझे माफ कर देना, मेरे लाडले मुझे माफ कर देना, तू जानता है मेरे बच्चे, अगर तू इस
काबिल होता कि अपने पांव से चलकर जा रहा था तो अपने हुसैन के लिए जा सकता, तो मैं तेरी मां दीवा हो जाती और तुझे जरूरत के लिए भेज देती। लेकिन मेरे लाडले तू इस काबिल नहीं है कि अपने पैरों से चल के जरूरत के लिए जा सके। ए लाडले, इसलिए मैं तुझे कुर्बान किए दे रही हूं ताकि इसके बदले मुझे जरूरत कब्र हुसैन नसीब हो सके। अजदारो, वो मां अपने बच्चे को कुर्बान करके कब्र हुसैन की जियारत के लिए चली गई। अब वो मां कहती है कि मैं कब्र हुसैन के तवाफ में मशगूल थी, पहला तवाफ मुकम्मल हुआ तो मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बीबी मेरे बच्चे को अपने आगोश में लेके चलती है। मैंने सोचा कि अभी अभी चूंकि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जिबा हुआ है, ये मोहब्बत की शिद्दत की वजह से शायद मुझे मेरा बच्चा नजर आ रहा है। वो बीबी कहती है कि जब मैंने दूसरा तवाफ मुकम्मल किया तो देखा दूसरे कोने पे कोई बीबी बैठी है और मेरे आगोश के ताले को अपनी आगोश में लेके खुला रही है। मैंने फिर उधर ध्यान नहीं दिया, सारे तवाफ मुकम्मल करके मैं बाहर की तरफ निकली तो मुझे आवाज सुनाई दी किसी बीबी की, ऐ बीबी अपने बच्चे को लेकर अपने साथ नहीं जाओ। वो बीबी कहती है कि बीबी मैं तो अभी अपने बच्चे को सिवा करके आई। वो बीबी पलट के जवाब देती है, तुझे याद नहीं रहा, तूने आवाज कब पाला, मेरे हुसैन का पटका लेकर मांगा था और तुझे शायद मालूम नहीं है जो हम हुसैन के नाम पे दे देते हैं कभी वापस नहीं देते। तो बीबी पलट के बोली, ऐसे दादी करबला के मैदान में उस वक्त आ गई होगी जब रबाब ने आवाज कब पाला, उस मला के तीर से शोभा की नजर हो गया। لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الله جہاں کہیں بھی عزاداران مظلوم کربلا جس طریقے سے بھی عزاداری منعقد کر رہے ہیں بار الله ان سب عزاداروں کی حفاظت فرما، ان کی عزاداریوں کو قبول فرما، ان کی مقبول عزاداری کے صدقے میں پروردگار ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بھی حضرات جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حضرات مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس وبا اور بلا کے ذریعے جو بھی افراد مریض ہیں بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور جو ابھی تک اس وبا سے محفوظ ہیں پروردگار ان کو بھی اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ Allah, Allah.
18 साल के जो हुए
मेरा
हफ्ते का बल समाज पर नहीं चल रहा। शायदा